हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टाटा स्टील की ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में। सो टाटा स्टील की ऑफ कैंपस हायरिंग अगेन स्टार्ट हो चुकी है विद डिफरेंट पोजीशन। एंड गाइस, इसमें आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अमेजिंग ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को गारंटी टेस्ट लिंक आने वाली है। बिकॉज जो टाटा स्टील की हायरिंग है वो मास हायरिंग है, कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करता है तो आपको टेस्ट लिंक आएगी एंड आप टेस्ट देने का मौका आपको मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन से जॉब टाइटल के लिए यहाँ पे हायरिंग है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है एंड इसकी क्या डेडलाइन है। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो यहाँ पे बात करता हूँ, जो जॉब टाइटल है वो है डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर, दे आर लुकिंग फॉर DET। सो आपकी DET की पोस्ट पर यहाँ पे हायरिंग होने वाली है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी जॉब पास आउट्स बैच कौन से यहाँ पे होने वाले हैं। सो 2022 एंड 2023 यहाँ पे पास आउट बैच होने वाले हैं। लोकेशन आपकी झारखंड होने वाली है एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम 6th of March टू 15th of March। तो गाइस, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 6th March से, जो कि आपके चलने वाले हैं 15th March तक। तो आपके पास अभी एक हफ्ता है, आप जल्दी से जल्दी जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दी अदर क्राइटेरिया। सो यहाँ पे कुछ मेंशन एडेड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो 12 months ट्रेनिंग। सपोज आपने इसमें टेस्ट दिया, आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका किस तरीके से प्रोसेस होगा। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आपकी 12 months की ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट अ सूटेबल पोजिशन विद चैलेंजिंग असाइनमेंट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, सो सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद एक आप सूटेबल पोजिशन पर प्लेस हो जाएंगे। एंड जो अगर आपका CTC होने वाला है ट्रेनिंग पीरियड का, वो यहाँ पर मैंसन है डेट CTC आपका क्या होने वाला है, आपका 20K आपको यहाँ पे मिलने वाला है पर मंथ ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड। सो ट्रेनिंग पीरियड में आपको 12 months का यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है एंड यहाँ पे आपको 20K पर मंथ मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी कोई भी लोकेशन हो सकती है टाटा स्टील की अकॉर्डिंग टू योर बेस लोकेशन। ओके, बेसिकली यहाँ पे मेंशन है झारखंड, बट ज्वाइनिंग के बाद आपका डिफरेंट ज्वाइनिंग लोकेशन भी हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे है 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके पास 3 years फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। सो हम बैच डिस्कस ही कर चुके हैं कि यहाँ पे 22 एंड 2023 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करूँ, लाइक कैंडिडेट टाइप, लाइक परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करते हैं। सो यहाँ पे जनरल जो मेल है, मेल के लिए यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया डिफरेंट है, फीमेल के लिए डिफरेंट है। सो मेल OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे परसेंट होना चाहिए 60%, 10th 12th में, डिप्लोमा में आपका 60% होना चाहिए। फीमेल के लिए एंड SC ST के लिए आपका यहाँ पे 50% है, डिप्लोमा में भी 50% है। ओके, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड के भी क्राइटेरिया, लाइक हाइट कितनी होना चाहिए एंड वेट कितना होना चाहिए, आई साइट कितना होना चाहिए, पावर ऑफ ग्लासेस, कलर विजन, इस तरीके से कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड का भी क्राइटेरिया है। ओके, सो यहाँ पे मोस्टली हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपको कहाँ से अप्लाई करना है बेसिकली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई, एक लिंक है लिंक टू अप्लाई, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसको क्लिक करना है, देन आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म पर पहुँचेंगे एंड आपको वहाँ पर एक गूगल फॉर्म फिल करना है, ये वाला। ओके, इट इज़ लोडिंग, ये वाला आपको फॉर्म फिल करना है। टाटा स्टील का कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, आधार नंबर, फर्स्ट, तो सारा पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करके एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो गाइस, जल्दी जल्दी जाके इसमें अप्लाई कीजिए एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।